हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम देखेंगे गोल्ड का एनालिसिस फॉर नेक्स्ट वीक। तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में गोल्ड बंद हुआ है 52,261 पे, लगभग 150 रुपये नीचे, 0.03% डाउन। यहाँ अगर हम मंथली चार्ट पे देखेंगे तो हमने जो है तो लगभग इन्वेस्टमेंट के सभी टारगेट अचीव कर लिए इस साल के लिए। और यहाँ जो है तो फिर से हमने ऊपर जाने की कोशिश की, मगर ऊपर के लेवल से अच्छा खासा यहाँ सेलिंग प्रेशर आ रहा है और प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। तो यहाँ जो है तो मंथली चार्ट पर ये अर्ली करेक्टिव साइंस दिख रहे हैं, क्योंकि ऊपर के लेवल पे अच्छा खासा प्रेशर मार्केट पे आ रहा है। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में शायद जो है तो हम निचले लेवल पे करेक्शन देखेंगे और प्राइजेस को थोड़ा सा प्राइजेस पे प्रेशर देखेंगे और निचले लेवल पे गोल्ड प्राइजेस जाते हुए देखेंगे। तो यहाँ मेरी सलाह रहेगी, जिनके पास गोल्ड है उन्हें एक तो एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना चाहिए या फिर जो है तो प्रॉफिट बुक करना चाहिए। थोड़ा सा आप होल्ड कर सकते हो, मगर मोस्टली जो है क्योंकि यहाँ सभी टारगेट अच्छे हो चुके हैं, तो अभी यहाँ जो है तो इट्स अ टाइम फॉर करेक्शन। और हो सकता है कि हमें एक अच्छे खासे निचले लेवल पे गोल्ड जो है तो फिर से मिल सकता है फॉर फ्रेश इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ मेरा जो व्यू रहेगा प्रॉफिट बुकिंग का रहेगा ऑन मंथली चार्ट। मुझे लगता है कि हम जो है तो 51,000 और फिर से जो है तो 48,000, और अगर 48,000 के नीचे स्लिप करते हैं तो हम जो है तो लगभग 43,000-44,000 के लेवल के तरफ भी लॉन्गर टर्म में जा सकते हैं। तो यहाँ मोस्टली प्रोबेबली मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म टॉप बन चुका है और यहाँ हम शायद एक बॉटम बनाने के लिए बढ़ रहे हैं ऑन मंथली चार्ट। तो मंथली चार्ट पे मेरी सलाह रहेगी प्रॉफिट बुकिंग जिनके पास, जिन्होंने लोअर लेवल पे इन्वेस्टमेंट किया है उनके लिए। अभी देखते हैं वीकली चार्ट। तो वीकली चार्ट पे आप देखोगे कि इस वीक जो है तो लगभग 1.5% नीचे बंद हुआ है गोल्ड 730 रुपये के लॉस के साथ। तो यहाँ क्लियरली सजेस्ट कर रहा है कि ऊपर के लेवल पे यहाँ जो है तो प्रॉफिट बुकिंग आ रहा है। हमने कोशिश की थी ऊपर जाने की, मगर वो सफल नहीं हो पा रहा है। ऊपर के लेवल पे जो है तो एक अच्छी खासी सेलिंग आ रही है। तो मुझे लगता है कि आने वाले हफ्तों में हम जो है तो गोल्ड को नीचे जाते हुए देखेंगे। यहाँ 50,800 ये पहला सपोर्ट रहेगा और उसके बाद में 49,000 और यही टारगेट रहेंगे। यहाँ ऊपर के तरफ जो रेजिस्टेंस रहेगा जो स्विंग ट्रेडर है उनके लिए स्टॉप लॉस रहेगा 53,700। तो उसके करीब आता है तो आपको शॉर्ट करना है। स्टॉप लॉस आपका 53,700 के ऊपर रहेगा, टारगेट 50,800, उसके बाद में 49,000 के टारगेट आपको एक मीडियम टर्म में देखने को मिल सकते हैं। ये टारगेट आने के लिए कई हफ्तों से लेकर महीने लग सकते हैं, मीडियम टर्म मतलब वीक्स टू मंथ, और लॉन्गर टर्म मतलब मंथ्स टू ईयर्स। तो यहाँ जो है तो मीडियम टर्म में आपको ये टारगेट आते हुए देखेंगे और यहाँ क्लियर कट प्रॉफिट बुकिंग चल रही है। वीकली चार्ट पे भी बेरिश व्यू है, करेक्टिव व्यू है और यहाँ ये करेक्शन के टारगेट रहेंगे 50,800, उसके बाद में 49,000 के। अभी देखते हैं डेली चार्ट। तो डेली चार्ट पे आप देख सकते हो कि हमने शुरुआत जो है तो वीक की थी इस महीने के लिए, एक अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग और बाइंग रैली देखी। ऊपर जो है तो ऊपर के लेवल पे यहाँ सस्टेन नहीं हो पा रहा है और फिर से जो है तो यहाँ प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिली। तो यहाँ डेली चार्ट पे जब तक गोल्ड जो है तो लगभग 52,800 के नीचे है तब तक मेरा व्यू बेयरिश रहेगा। और यहाँ जो है तो निचले लेवल पे 51,500 का पहला टारगेट रहेगा, उसके बाद में 50,700 का दूसरा टारगेट रहेगा। तो जब तक गोल्ड 52,800 के नीचे ऑन डेली क्लोजिंग बेसिस, आपको यहाँ सेल ऑन राइज व्यू रखना है। टारगेट रहेंगे 51,500 और उसके बाद में 50,700 के टारगेट आप शॉर्ट टर्म में एक्सपेक्ट कर सकते हो। यहाँ जो है तो हो सकता है कि स्टॉप लॉस ट्रिगर होने की ज़्यादा संभावना है, क्योंकि एक बार अगर गोल्ड साइडवेज में चला गया तो प्राइजेज जो है तो ऊपर नीचे करते रहेंगी। मगर जिनको ट्रेड लेना है या फिर जिनके पास ट्रेड है ऑलरेडी शॉर्ट का, उन्हें सलाह रहेगी कि आप स्टॉप लॉस जो है तो 52,800 के ऊपर रखिए और जो आपके टारगेट हैं वो 51,500, उसके बाद में 50,700। आई विल पर्सनली नॉट टेक एनी ट्रेड इन गोल्ड राइट नाउ, क्योंकि यहाँ कोई क्लियर कट ऐसा डेली चार्ट पे जो है तो ब्रेकडाउन या वीकनेस नहीं दिखाई दे रही है। ये करेक्शन है, मगर करेक्शन कहीं से भी रिवर्स हो सकता है और फिर से जो है तो अप ट्रेंड कंटिन्यू हो सकता है। तो यहाँ अगर ब्रेकडाउन आता है तो ही हम लेंगे, या फिर इंट्राडे में हमें कोई शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी दिखती है शोर शॉर्ट तो ही लेंगे। मगर मोस्टली मुझे लगता है कि गोल्ड प्राइसेस यहाँ से नीचे ही जाने वाले हैं, क्योंकि डेली, वीकली और मंथली
जो है तो ये सभी चार्ट जो है तो करेक्टिव पैटर्न दिखा रहे हैं, और यहाँ प्राइजेस जो है तो मुझे लगता है अभी कूल ऑफ होने का समय आ चुका है। ऊपर के लेवल पे हमें अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है, अच्छा खासा सप्लाई मार्केट में आ रहा है गोल्ड में। तो यहाँ शॉर्ट टर्म में भी 52,800 के नीचे वीक रहेगा गोल्ड, टारगेट रहेंगे 51,500 और 50,700। पर्सनली मेरी कोई पोजीशन नहीं है और मैं मोस्टली प्रोबेबली पोजीशन बनाऊंगा भी नहीं, क्योंकि यहाँ जो है तो क्लियर कट कोई सिग्नल नहीं है। जिनके पास है उनके लिए ये सलाह है, और आप इंट्राडे में भी आपको अगर वीकनेस अच्छी लगती है तो वह शॉर्ट कर सकते हैं। मोस्टली आपको जो है तो शॉर्ट के ट्रेड खोजने हैं यहाँ गोल्ड में विथ अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, तो आपको प्रॉफिट ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि तीनों जो ट्रेंड है वो बेरिश है या फिर करेक्टिव बोल सकते हो। तो आपको मोस्ट प्रोबेबली जो बड़े मूव मिलेंगे वो डाउन साइड पे ही मिलेंगे, ना कि अप साइड पे। तो आई विल सिट ऑन बेरिश साइड, आई विल फाइंड अपॉर्चुनिटी एंड आई विल ट्रेड गोल्ड एट अप्रोप्रिएट लेवल। तो गोल्ड पे मेरा बेरिश व्यू है और यहाँ हमारा सेल ऑन राइज स्ट्रैटेजी रहेगा फॉर नेक्स्ट वीक मीडियम टर्म। तो आई होप सो कि जो एनालिसिस है ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको लाइव मार्केट में श्योर शॉर्ट कॉल चाहिए कम्युनिटी में तो मेरी प्रीमियम सर्विस ज्वाइन कर सकते हैं, उसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।